हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं, जय श्री श्याम। तो अभी मैं हूँ खाटू श्याम जी में, और अभी हमें खाटू श्याम जी में और खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि खाटू श्याम जी में कैसे आया जा सकता है, कब आना चाहिए। और अभी चल रहा है खाटू श्याम जी का मेला, और हम एंजॉय करते हैं खाटू श्याम जी के मेले में। खाटू श्याम जी का नियर बाई रेलवे स्टेशन रिंगस का है, जो खाटू श्याम जी से 25 किलोमीटर दूरी पे है। इसलिए खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए बस ही सबसे अच्छा साधन है, या अपने वाहन से। इसलिए खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए जयपुर के सिंधी कैंप से हमको सरकारी या प्राइवेट बसेज मिल जाएगी, जो कि जयपुर से डायरेक्ट खाटू श्याम जी के लिए चलती है। तो दोस्तों, हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं यहाँ से। मैं हूँ और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त राहुल, जो वीडियो शूट कर रहा है, और हम दोनों यहाँ से चलेंगे। अभी हम कुचामन में हैं, कुचामन से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे बाइक द्वारा। बाइक से हम चलेंगे खाटू श्याम जी। ये है राहुल, जो बाइक चलाएगा, बाइक ड्राइवर है ये, और मैं बैठूँगा पीछे। चलिए स्टार्ट कर। ड्राइव मैं करूँगा खाटू श्याम जी यहाँ से। अब 30 किलोमीटर घाटवा है अभी, अब ड्राइव मैं करूँगा आगे, और फिर चलते हैं आगे। रास्ते में बहुत से पैदल संघ जो खाटू श्याम जी के लिए जा रहे थे, और उनके लिए जगह जगहों पर भंडारे थे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी आएगी ना भाई जी, मेन दर्शन हो बड़ा, अंदर जाना पड़ी नहीं है। और इतना लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार हम खाटू श्याम जी में पहुंच चुके हैं। और खाटू श्याम जी में पहुंचते ही हमको खाटू श्याम जी के लक्की मेले की रौनक दिखाई दी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। खाटू श्याम जी पहुंचते ही हम सबसे पहले खाटू श्याम जी चरण द्वार वहां पे पहुंचे, और सबसे पहले हमने चरण द्वार पे धूप लगाई, और फिर हम आगे के लिए बढ़े। हम खाटू श्याम जी में पहुंच चुके हैं। पहले हम यहाँ पे आए थे गेट के पास में, एंट्रेंस के पास में, और अब हम चलेंगे वापस गाड़ी को पार्किंग लगा के, फिर हम लगते हैं लाइन में। शाम हो चुकी है ऑलरेडी, 4:30-5 बज गए हैं। अब देखते हैं दर्शन कितने बजे तक होते हैं, और हम चलते हैं आगे की ओर। राहुल गाड़ी लेके आ जा। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी, और गेट के पास गए थे पहले, वो रहा सामने हमारे गेट। और अब हम चलेंगे वापस, मतलब कि गाड़ी पार्किंग करेंगे वापस पीछे की ओर, जहाँ से मेला स्टार्ट हुआ था, और फिर हम मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए चलेंगे। पहले वो पार्किंग का 50 रुपये लो, पता लगा रहो। मैं रात का लेट हो वाला, दर्शन कर रहा वाला। कितने बजे तक खुली है रात का? 24 घंटा। खाटू श्याम जी मैं पहले भी आया हुआ हूँ, लेकिन जब मैं पहले आया था उस समय 20 रुपये मतलब चार्ज लिया था गाड़ी पार्किंग का,
और अभी हमसे लिए हैं खाटू श्याम जी में, मतलब कि अलग अलग पार्किंग है, फिर भी 50 रुपये लिए हैं क्योंकि मेला चल रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण। पार्किंग हाईवे पे होने के कारण हम खाटू श्याम जी की छोटी छोटी गलियों से होते हुए मंदिर की ओर पहुंचने वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। रुकने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और बाहर मेन रोड पे बहुत सारी होटल भी हैं। अपने अपने बजट के हिसाब से जो होटल में रुकना चाहे होटल में रुक सकते हैं, वरना यहाँ पे आराम से 200-150 रुपये में कोई बढ़िया से बढ़िया धर्मशाला भी मिल जाए। आप आओ तो एक बात का ध्यान रखना, हमने गाड़ी पार्किंग कर दी हाईवे पे, रास्ते में कम से कम 10 से 15 पार्किंग आई थी, वहाँ से कम हम 1.5 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, अभी तक मंदिर का जो मेन रास्ता है वहाँ पे नहीं पहुँचे। इसके कारण बहुत घुमा के अब हम मेन जहाँ से मतलब कि खाटू श्याम जी मंदिर का मेन रास्ता है वहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत घूम के आए हम। मेले में भीड़ होने के कारण शाम कुंड बंद था। एंट्री नहीं है भैया, बिल्कुल ही। राधे राधे। अब हम दोनों भाई श्री श्याम के रंग में राधे राधे में रंग चुके हैं, अब हम को लग रहा है कि हम आए हैं खाटू श्याम जी में और अब चलते हैं आगे दर्शन के लिए। श्री श्याम की भक्ति देखने लायक पानी के छोटे छोटे पैकेज दिए जा रहे हैं पैदल आने वाले को और यहाँ से दर्शन के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे पैकेज पानी के फ्री में दिए जा रहे हैं, वो हम पीछे फिर आगे चलेंगे। पानी के पैकेट को धोया जा रहा है और ये श्री श्याम की रैली। इतनी दूर आने के बाद हमको पता चला यहाँ से दर्शन पीछे की ओर जो ये लाइन जा रही है, दर्शन करने के बाद वापस एंट्रेंस पे जो हमने गेट पे वीडियो बनाया था ना, वहीं पे वापस एग्जिट होगा हमारा, तो फिर वापस जूते वहाँ उतारेंगे अगर एंट्री पे तो फिर वापस पहनने के लिए आना पड़ेगा, तो इसलिए हम पीछे ढाबा है यहाँ पे, अभी हम दोनों जूते यहीं पे उतार के फिर हम आगे की ओर चलेंगे। जय श्री श्याम। अभी हम श्याम रैली में हैं जो मंदिर की ओर जा रही है और मेरे साथ में है राहुल जो पहली बार श्री खाटू श्याम जी में आया है। अब अभी इससे पूछते हैं कि इसको कैसा लग रहा है। राहुल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आके, ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन मतलब अगर भगवान ने चाहे तो बार बार आऊँ। और अभी तो हमारे दर्शन भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं, मज़ा आ गया, मतलब जो यहाँ पे भक्ति का माहौल जो देख रहे हैं ना, मन को बहुत सुकून मिल रहा है। जय श्री श्याम। अब यदि आपको श्री श्याम की भक्ति दिखानी है तो मैंने भी मशक्कत करके और दुकान वाले से पूछ के उनकी छत पे आया हूँ और अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ श्री श्याम की भक्ति कितनी भयंकर वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ श्री श्याम मंदिर इतना क्यों फेमस है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो 5 पांडवों में से एक पांडव थे भीम, जिनके पुत्र थे घटोरगच और उनके पुत्र थे बर्बरिक। बर्बरिक वो थे जो मतलब कि युद्ध में हारता होता मतलब उसकी हेल्प करते थे, सहायता करते थे, तो वो बर्बरिक युद्ध में पार्ट लेने के लिए जा रहे थे, मतलब हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे और वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको लगा कि कौरव आ रहे हैं, तो वो कौरव की सहायता करने के लिए पहुँचे, तो श्री कृष्ण उनके रास्ते में उनको मिले और श्री कृष्ण ने उनसे कहा मतलब कि उनसे कुछ परीक्षा ली और फिर उनसे शीश दान में मांगा, तो श्री श्याम मतलब कि बर्बरिक ने उनको अपना शीश दान में दे दिया, इसीलिए उनको शीश के दानी कहा जाता है। और अब फिर
तब उनको श्री कृष्ण ने कहा था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी और तुमको हारे का सहारा बोला जाएगा, क्योंकि बर्बरिक वो इंसान था जो मतलब कि हारे हुए व्यक्ति की सहायता करता था, इसलिए श्री श्याम के नाम से वो जाने लगे। श्री कृष्ण ने उनसे कहा था तुम मेरे नाम से कलयुग में पूजे जाओगे, इसके कारण श्री श्याम मंदिर इतना फेमस हो गया। जय हो। लाओ 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 लाओ। रास्ते में चलते हुए संतरे दिए जा रहे हैं। जय श्री श्याम। 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 भक्तों द्वारा लाए गए ध्वज यहाँ पर ले लिए जाते हैं, जो कि एक ट्रक में रखे जाते हैं और फिर यहाँ से रिंगस की ओर ले जाया जाता है ध्वज को। भक्तों द्वारा लाए गए गुलाब के फूल को भी यहाँ पर तोड़ के शीश शीश दिया जाता है। मंदिर के मेन जो लाइनें आती है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, नई व्यवस्था के कारण बहुत ही सुंदर लाइनें आराम से चल रही है, वरना पहले जब आते थे वो टाइम लगता था, और जगह जगह LED लगा के दर्शन कराए जा रहे हैं। कम से कम 20 LED लगा रखी है, जिससे श्री श्याम के दर्शन आराम से यहीं से हो रहे हैं, और अंदर से और देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। और जो भक्ति का माहौल है बहुत ही बढ़िया है, मजा आ रहा है, गाने पीछे आपको सुनाई दे रहे होंगे, इंजॉय फुल मजा आ रहा है। जय श्री श्याम। प्रवेश कर चुके हैं। जय श्री श्याम। इतने लंबे सफर का आनंद हमें श्री श्याम के दर्शन करके प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा फील हुआ। एक सेकंड में मंदिर में दर्शन हो गए हमको, और अब हम पे दर्शन करके जस्ट और बाहर की ओर निकले। इतनी भीड़ होने के कारण एक सेकंड में दर्शन हो गए और अब हम बाहर की ओर आ चुके हैं। अपना सामान रख, हमने मंदिर जाने के लिए अंदर प्रसाद लिया था, प्रसाद कहीं पे नहीं चढ़ाया जाता है, यदि आपकी मर्जी है हम मंदिर से होते हुए प्रसाद लेके जाएंगे, वही श्री श्याम का प्रसाद है। वाह, वैसे तो खाटू श्याम जी के कहीं पे भी जाओ सारा प्रसाद ही है, फिर भी यदि आपको प्रसाद लेना था आप ले सकते हैं, बाकी मंदिर के अंदर कहीं भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। गुलाब का फूल है जो बीच में तोड़ लिया जाता है और फिर अगले दिन शायद हो सकता है कि मंदिर में चला जाए। दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, यदि हमने यही जूते उतारे होते तो हमको मिल जाते, तब हमने उस ढाबे पे जहाँ पे हमने चाय पी थी वहाँ पे हम वापस जाएंगे और फिर वहाँ से हम जूते पहन के फिर वापस इधर की ओर आएंगे और हमारी गाड़ी जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे चलेंगे और थोड़े बहुत मेले का एंजॉय करेंगे। जय श्री श्याम। मज़ा आ गया खाटू श्याम। जय श्री जहाँ जूते उतारे थे वापस आ गए पहनने को, यहाँ पे छुपा के गए थे, 1 किलोमीटर वापस आना पड़ा है हमको। आप भी आए तो ध्यान रखें, जहाँ से एंट्रेंस को गेट है ना श्री श्याम वाला, जहाँ से हमने वीडियो की शुरुआत की थी वहीं पे, मतलब कि वहीं पे जूते उतार दो और फिर दर्शन करके वापस वहीं पे वापस आना, वरना फिर वापस आना पड़ता है। अब हम आ गए हैं होटल में खाना खाने, 1 प्लेट के 100 रुपये ले रहे हैं, प्लेट में क्या क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ, खड़ा खा के फिर हम यहाँ से फिर हम चलेंगे।
जब तक पुराना एंट्रेंस नहीं देख ले हम आ जाएंगे। खाटू श्याम जी का दर्शन करने आए और पुराना एंट्रेंस नहीं देखे तो मजा आएगा। ये देखिए श्याम का बड़ा एंट्रेंस। 5 बजे आए थे हम, 8 बज चुके हैं। अभी तक हम खाटू श्याम जी की गलियों में घूम रहे हैं, एंट्रेंस देखने के लिए आए थे, एंट्रेंस देख लिया और हम चलते हैं वापस। और कुछ शॉपिंग की, खाटू श्याम जी का कड़ा चाबी का छल्ला ये भी लिए हमने और अब हम वापस चलेंगे बाहर की ओर। और गलियों में घूमते हुए हमको एक मंदिर दिखा है, राधे की हवेली, चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है। ओ सांवरे मेरे सांवरे, हर हाय तेरी बरस रही है जो कृपा कन्हैया, ओ मैं सपनों में तेरी कृपा है पापा, मुझे समझा अपनों में। मंदिर है अंदर, जागरण वगैरह चल रहा है, एकदम तगड़ा वाला यार, मजा आ गया। खाटू श्याम जी आए तो खाटू श्याम जी जो एग्जिट होती है मेन द्वार है ना, वहीं से अंदर आते ही ये हमने इधर राधे की हवेली करके होटल है, ऊपर नीचे मंदिर है, शानदार एक नंबर, मजा आ गया। कैसा लगा राहुल? बहुत अच्छा लगा। जय श्री राधे। अब देखो मैं आपको यहाँ से एंट्रेंस दिखा दूँ कैसा है। चलोगे? पूरी ऊपर होटल है अंदर मंदिर। तो हमने दर्शन कर लिए, वापस जूते भी पहन लिए, अब हम वापस बाहर की ओर चलेंगे और मेले का एंजॉय करेंगे। थोड़ा बहुत मेले का सीन है जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में दिखा दूंगा, अभी शूट करूंगा लेकिन दिखा दूंगा शुरुआत में। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर डालना। जय श्री श्याम चैनल को, जय हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखना। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में।